सो हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सी एस एस कम्प्लीट कोर्स कम्प्लीट करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे सी एस एस, और एक मीडियम से ऊपर लेवल तक जाके उसको सी एस एस को सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आपको सी एस एस नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी एस एस। तो सी एस एस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहूँगा कि सी एस एस क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो बेसिकली सी एस एस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट, बेसिकली द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमारे तीन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस या फिर टेक्नोलॉजीज आती हैं। पहली है HTML, दूसरी CSS एंड तीसरी है JavaScript। तो इन तीनों का अगर रोल हम देखें तो HTML का जो रोल होता है वो होता है एक स्ट्रक्चर बनाना। अब अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट में आपने देखा होगा कि उसमें हमारा जो वेबसाइट होता है वो डिफरेंट पेजेस में डिवाइड होता है। जैसे कि हमारा होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, सर्विस पेज हो गया, अगर वो किसी कंपनी का वेबसाइट है तो उसमें उसके कुछ सर्विसेज होंगी, तो वो जो सारी सर्विसेज होती हैं वो सर्विस पेज पे मेंशन रहती हैं। तो इस तरह जो वेबसाइट होती है वो हमारी डिफरेंट पेजेस को मिला के एक हमारी कंप्लीट वेबसाइट बनती है। तो इन पेजेस को बनाने के लिए जो हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ होता है उसमें ये तीनों टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, HTML, CSS एंड JavaScript। अगर वन बाय वन इन तीनों की रोल की बात करें, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे लेट से है कि अब इसको हम ऐसे देखेंगे कि हमारा जो वेबसाइट डेवलपमेंट उसको हम एक होम कंस्ट्रक्शन के एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से हमको वेबसाइट बनाना है, सेम उसी तरह जैसे कि हमारा एक घर बनाना होता है हमको। मतलब ये ऐसा कोई मतलब सटीक उदाहरण तो नहीं है, बट आप इसको एक समझने के लिए एक अच्छा तरीका है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो इस एग्जांपल से। तो जैसे कि अगर हमको घर बनाना होता है तो हम पहले उसमें क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि एक अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरुआत करें तो बेसिकली घर में होता क्या है कि हम पहले दीवार खड़ी करते हैं। ठीक, दीवार में भी अगर बात करें तो हमारे चारों कोनों पर हमारे पिलर्स होते हैं। ठीक, फिर हमारा ऊपर छत होता है। ठीक, अब इतने में क्या हो गया कि हमारी खिड़की वगैरह जो भी मिला के सारा एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे घर का तैयार हो जाता है। ये हो गया घर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि उसमें दीवार कितनी होगी, मतलब कितनी ऊंचाई होगी, ये सब हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है घर का। सेम यही काम हमारा वेब डेवलपमेंट HTML करता है। HTML से हम वेबसाइट में पहले हम वो सारे टेक्स्ट लिखते हैं, बटन बनाते हैं, जो भी हमारे पेज में रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें हम HTML से बनाते हैं। जैसे बटन हो गया, लिंक हो गया, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, ठीक है, कोई बॉक्स बनाना हो गया, उसमें कोई इमेज लगाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम HTML से करते हैं। फिर घर के कंस्ट्रक्शन में अगर दूसरे स्टेप की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पर एक बार जब हमारा घर खड़ा हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि हम प्लास्टर करवाते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। ठीक, सेम यही काम हमारा अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो सेम यही काम हमारा CSS से होता है। हमने सारा टेक्स्ट लिख दिया, मैंने सारा टेक्स्ट लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, HTML लगा दिया, हेडिंग लगा दिया, इमेज लगा दिया, बटन लगा दिया, लिंक लगा दिया। अब क्या होता है कि जैसे हम प्लास्टर के थ्रू क्या करते हैं, घर को मतलब प्लास्टर करते हैं ताकि वो अच्छा दिखने लगे, सेम उसी तरह हम वेबसाइट में क्या करते हैं कि CSS से जो हमारे जो टेक्स्ट और पैराग्राफ, बटन वगैरह जो भी हैं उनको हम कलर वगैरह या फिर बैकग्राउंड से ये सारी चीज़ें लगाकर उसको और अच्छा बनाते हैं, उसको और अच्छा ऐसा बनाते हैं कि वो अच्छा दिखे। तो ये काम हमारा CSS में होता है। ठीक है, होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको HTML और CSS का यूज़ पता चल गया होगा। सेम उसी तरह अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करता है बटन पे, वेबसाइट में।
तो जैसे कि हमारा बेसिक, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बेसिक मतलब हेडिंग वगैरह लगा के, टेक्स्ट वगैरह लगा के, बटन और इमेज वगैरह लगा के सारा कंप्लीट हो गया हमारा वेबसाइट। अब उसमें जो कोई फंक्शनलिटी डालनी है, जैसे कि हम उसमें इमेज अपलोड कैसे करना है, इमेज अपलोड करेंगे तो उसका होगा क्या, कोई हमको बटन क्लिक कराना है तो हम इमेज को बड़ा कर पाएँ, या फिर हमारा जो वेबसाइट है उसको फुल स्क्रीन में ओपन कर पाएँ, या फिर हमको किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है बटन, और किसी बटन के क्लिक पे, तो वो सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। अगर यही हम घर के एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा कि कोई जैसे हमारा रिंग होता है, बटन होता है, या बेल नहीं लगाते हम घर में जैसे कि, तो उसमें क्या होता है कि हम कोई बटन लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा एडवांस लेवल की हो गई, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे घर में हमारा लिफ्ट हो गया। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर और डिजाइनिंग स्टाइलिंग के अलावा जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में काउंट कर सकते हैं। तो होप कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया होगा होगा कि कौन चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है। अब हम CSS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब CSS पढ़ने के लिए हमको क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ें जानने की आवश्यकता है। अब मैंने इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि ये चार चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप CSS इजीली यूज़ कर पाओगे, इजीली लिख पाओगे और आपको CSS में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा पहला पॉइंट है कि अगर ये चार ही पॉइंट आपको क्लियर है कि CSS क्या है, CSS में क्या रखना है, कहाँ रखना है, किस पे रखना है और कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो CSS में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्लियर करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। तो अब CSS में हम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ CSS पे हम करते क्या हैं। अब CSS की स्टाइलिंग हम करते हैं तो हमको पता होना चाहिए CSS में पहला यूज केस इसका है कि CSS में क्या करते हैं। तो सीधी सी बात है कि उसमें स्टाइलिंग करते हैं। अब जैसे हमको कलर एड करना हुआ या फिर बैकग्राउंड एड करना हुआ, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमको ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे रखनी है, हेडिंग का कलर रेड होना चाहिए, बटन का बैकग्राउंड काला होना चाहिए, ठीक है। अब इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये भी चीज़ होनी पता होनी चाहिए कि ये जो हम लगा रहे हैं ये हमको किस पे लगाना है, ठीक है। तो अगर किस पे लगाना है तो हमको सिलेक्टर, CSS सिलेक्टर से पता चलता है। जैसे कि हमारे HTML में क्या होता है, जैसे हमने दीवार होम का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया कि हम करें हमारे होम में जो है पिलर्स होती हैं, दीवारें होती हैं, ईट्स होती हैं, तो उसी तरह HTML में क्या होता है कि हमारा एक पेरेंट नोड होता है जो मेन रूट होता है। HTML जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्री की तरह उसका मतलब क्या कहें, उसका रूप रेखा जो होता है वो एक पेड़ की तरह होता है। जैसे हमारा एक तना निकलता है, उसमें उसमें दो डाली निकलती हैं, फिर उसकी फिर दो डाली निकलती हैं, तो ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे बात करें तो इसमें इन इनके सभी नोड्स में ये जो हमारी ये दिख रहा है, जो बॉक्स दिख रहा है, ये हमारे सारे नोड्स होते हैं। HTML में इसको नोड्स बोलते हैं, नोड। तो हर एक नोड के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे हम अगर ह्यूमन में बात करें तो जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो अब अगर उनके उनसे अगर जो चाइल्ड्स होते हैं तो उनके क्या होते हैं कि वो चाइल्ड हो जाते हैं उनके, सेम उसी तरह हमारा जो HTML होता है कि इससे दो चीज़ें निकल रही हैं, तो हमारा जो हेड हो गया और बॉडी हो गया वो दोनों HTML के चाइल्ड हो गए, सेम उसी तरह। अब हेड से ये चीज़ें निकल रही हैं तो हमारा जो टाइटल हो गया ये हेड का चिल्ड्रन हो गया, सेम उसी तरह बॉडी से हमारी तीन चीज़ें निकल रही हैं, तीन डीव निकल रहे हैं, तो ये तीनों डीव इसके चाइल्ड हो गए, बॉडी के चाइल्ड हो गए। सेम उसी तरह देखें तो इस वाले डिव से दो चीज़ें निकल रही हैं, H3 और H1, तो H3 और H1 इस वाले डिव के चाइल्ड हो गए, सेम इसी तरह। तो यही चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे नोड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर हम थ्री लेवल पे बात करें तो क्या करेंगे कि बॉडी जो हो गया वो HTML का चाइल्ड हो गया, तो और डिव क्या हो गया, डिव जो हो गया वो बॉडी का चाइल्ड हो गया। अगर इस डिव का रिलेशन इससे करें, HTML से डिव का रिलेशन HTML से निकल करें, तो ये जो डिव हो वो क्या हो गया, वो HTML का ग्रैंड चाइल्ड हो गया, ठीक।
ग्रैंड चाइल्ड हो गया। और अगर इस डिव और इस डिव की बात करें तो क्या होगा कि ये दोनों डिव क्या है कि इस बॉडी के चाइल्ड हैं, तो ये आपस में क्या हुए, सिबलिंग हो गए। ठीक है, तो जो दोनों नोड्स सेम पेरेंट से एसोसिएट होते हैं उनको सिबलिंग बोलते हैं। ठीक, अब ये यह होप कि आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता हो गया होगा, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि ये आपको सीएसएस सेलेक्टर समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वाले कोर्स में। तो अब हमको यहाँ से पता हो गया कि हमको ये डिक्लेरेशन लगानी होती है, हमको सीएसएस में क्या लिखना होता है। ठीक है, तो हमको ये पता होगा कि सीएसएस में लिखना क्या होता है। बेसिकली सीएसएस में हमको चीज़ें लिखनी होती है कि हमको उसका कलर क्या रखना है, या फिर बैकग्राउंड क्या रखना है, या फिर उसका हाइट क्या रखना है, जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम सीएसएस में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमको देखना है कि किस पे लिखना है, इसको किस पे लगाना है, तो वो हमारी चीज़ें। अब सीएसएस में हम करते क्या है कि पहले हमको ये पता करना होगा कि हमको ये कलर रेट लगाना किस पे है। ठीक है, तो अब हमको लेट्स से कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अब हमको ये पता है कि हमको मान लो कि जो हमारा बैकग्राउंड है, पेज का जो बैकग्राउंड हो उसको काला रखना है, या फिर रेड रखना है, या फिर ब्लू रखना है, जो भी रखना है। तो जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो हम जिस चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमको ये वाला चीज़ किस पे लगाना है, तो ये चीज़ क्या हो गया, उसको हम सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेलेक्टर मतलब आप उसको सिलेक्ट करो कि वो वाला सीएसएस आपको लगाना किस पे है। ठीक है, तो इस चीज़ को सेलेक्टर बोलते हैं। और ये चीज़ आपको पता ही हो गई कि ये जो चीज़ हम रखते हैं वो हमारा कर्ली ब्रैकेट में रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक, अब यहाँ तक ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इस पे भी हम आएंगे अभी। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें लिखते हैं वो हम लिखते कैसे हैं, तो वो चीज़ें की और वैल्यू के फॉर्म में होती हैं। पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर उसके बाद ये कॉलन लगाते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कलर कलर लगाया, कलर एक प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमने कॉलन लगाया, फिर उसकी वैल्यू लिखी कि कलर रेड होगा तो रेड हमने लिख दिया वैल्यू में, कलर हमारा हमारा ग्रीन होता तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं। सेम इसी तरह अगर हमको मान लो यहाँ पे उसकी कोई हाइट चेंज करनी होती तो यहाँ पे हाइट लिखते, और यहाँ पे हमको जो भी जितनी भी हाइट रखनी होती, मान लो 100 पिक्सल या फिर 100 सेंटीमीटर, जो भी रखना होता वो हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सीएसएस कहाँ पे लिखना है, सीएसएस किस पे लिखना है और कैसे पे लिखना है। अब ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब चीज़ें हम ये देखते हैं कि जो भी सीएसएस हम लिखते हैं वो हम एचटीएमएल में रखते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एचटीएमएल में एक सेक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक हेड होता है एचटीएमएल में। तो हम जो सीएसएस होता है उसको हम हेड के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हम एचटीएमएल एक पेज बना लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने एक सीएसएस कंप्लीट कोर्स में ये सारा कोड आपको एक जिप फॉर्म में गिटहब पे मैं अपलोड करूँगा, आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक एचटीएमएल लिख के मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक इसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो एचटीएमएल में हमारा जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये सारा जो हमारा जो एचटीएमएल के जितने पार्ट्स होते हैं वो सारे आपस में नोड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अब हमारा ये एक हेड सेक्शन हो गया, एक बॉडी सेक्शन हो गया। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा आपको, जैसे हमारा एचटीएमएल है इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे हमारा हेड हो गया, तो हेड जो है ये एचटीएमएल का चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, चाइल्ड हो गया, और यहाँ पे हमने बॉडी रख दी तो बॉडी भी एचटीएमएल का चाइल्ड हो गया। ठीक, तो ये दोनों एचटीएमएल के चाइल्ड हुए, और ये दोनों आपस में क्या हुए, सिबलिंग। ठीक, हेड एचटीएमएल हेड का भी पेरेंट है और बॉडी का भी पेरेंट है। ठीक, अब अगर इसी के अंदर हम ले लें स्टाइल, तो आप क्या करें कि स्टाइल जो है ये हमारा कोई नोड नहीं है,
नोड भी है एक्चुअली, क्योंकि हमारा एचटीएमएल सारा चीज़ें नोड के रूप में ही रहता है। तो अब अगर एचटीएमएल की इस स्टाइल की बात करें तो ये किसका चाइल्ड हो गया, ये हेड का चाइल्ड हो गया। अभी स्टाइल मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है कि हम जो भी सीएसएस लिखते हैं उसको लिखने का कुछ तरीका होता है। तो हमारा जो वेब डेवलपमेंट में सीएसएस लिखने का तरीका होता है उसको हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और सीएसएस लिखने के लिए हमको इस स्टाइल टैग का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर लेट्स से कि हम उसको इसके जैसा कि मैंने बताया कि इसके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक होता है इनलाइन इनलाइन स्टाइल या फिर इनलाइन सीएसएस, जो कि हम यहीं पे स्टाइल लगा के इसके अंदर ही लिख देते हैं सारा कुछ, ठीक। और एक होता है हमारा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मींस कि हमको वो हेड में एक टैग बना लेते हैं और उसमें जो भी जितना भी सीएसएस लिख होता है वो सारा हम स्टाइल के अंदर रख लेते हैं। वो हो गया हमारा इंटरनल सीएसएस। एक होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी सीएसएस रख होता है उसको एक डिफरेंट फाइल में एचटीएमएल के बाहर रखते हैं, और उसको करते हैं क्या है कि उसको एक लिंक लिंक की सहायता से उसको उस सीएसएस फाइल को एचटीएमएल में हम लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम सीएसएस को कितने तरीके से एचटीएमएल में ऐड कर सकते हैं। तो अगर इनलाइन ऐड करना हुआ तो जैसे कि हमको मान लीजिए बैकग्राउंड नंबर को ऐड करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हमने, यहाँ पे रेड डाल दो। अब इनलाइन एचटीएमएल में ये चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे केवल इनलाइन एचटीएमएल तभी यूज़ करना है जब आपको केवल एक पार्टिकुलर नोड पे या फिर पार्टिकुलर टैग पे स्टाइलिंग ऐड करनी है, ठीक है। तो ये उसी लिए यूज़ होता है बस, कि अगर किसी पार्टिकुलर नोड पे आपको कोई स्टाइल ऐड करनी है तो आप जाके डायरेक्टली स्टाइल टैग या स्टाइल एट्रीब्यूट दे के यहाँ पे आप ऐसे सीएसएस पर लिख सकते हो, ठीक। अब होता है हमारा दूसरा है इंटरनल स्टाइल। इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें लिखने के लिए हम क्या होता है कि इसमें हम एक से ज़्यादा सीएसएस लिखते हैं, एक से ज़्यादा लाइन का सीएसएस लिखते हैं, और एक से अधिक नोड के लिए सीएसएस लिख सकते हैं। इनलाइन में क्या है कि इनलाइन में केवल हम एक ही नोड के लिए सीएसएस लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हम मल्टीपल नोड्स के लिए सीएसएस लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी में मान लो बॉडी में हमारा हेडिंग भी है, हेडिंग भी है बॉडी के अंदर और हमारा पैराग्राफ भी है। अब अगर आपको केवल पी पे या फिर केवल एच वन पे लगाना हो तो आपको यहाँ पे लाइन स्टाइलिंग आपका काम कर जाएगा। आप यहाँ पे स्टाइल इजक्वल टू कलर इजक्वल टू रेड आप लगा दोगे, अगर एच वन का कलर रेड करना हुआ तो यहाँ पे ऐसे आप लगा दोगे, ठीक है। बट अगर आपको दोनों पे अप्लाई करना हुआ तो क्या हुआ कि आप या तो ऐसे लगाओगे, बारी बारी से आपको दोनों पे जाके लगाना पड़ेगा, ठीक। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आपको यहाँ पे मैनुअली मतलब जाके हर एक लाइन पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्टर लिखो। सिलेक्टर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे हमको सिलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, फिर सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना सीएसएस लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू के फॉर्म में। तो लेट्स से कि हमको अगर पी पे लगाना हुआ तो हम पी लिखेंगे यहाँ पे। अभी हम सिलेक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे कि सिलेक्टर कैसे सिलेक्ट करते कैसे चूज करते हैं कि किस एलिमेंट पे हमको सीएसएस लगाना है। तो अभी हम इसके बाद उसको पढ़ने वाले हैं। इसका मेन टॉपिक सीएसएस का मेन टॉपिक ही सीएसएस सिलेक्टर होता है। अगर आपको सीएसएस सिलेक्टर अच्छे से आ गया तो आप सीएसएस में मास्टर हो जाओगे, क्योंकि बाकी बाकी चीज़ें जो अदर प्रॉपर्टीज है वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, ठीक है। सिलेक्टर आपको आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस के जितने भी सिलेक्टर की जितनी भी वैरायटी है आपको अच्छे से अगर पता होगा तो आप सीएसएस में मास्टर हो सकते हो। अब क्या हुआ कि जैसे कि पी पे हमको कलर लगाना है तो हम सिंपली पी चूज करेंगे और यहाँ पे उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी लिखेंगे और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू डाल देंगे। अगर इसी पी का हमको बैकग्राउंड चेंज करना हुआ तो बैकग्राउंड, अगर ब्लू करना हो बैकग्राउंड तो हम ब्लू कर देंगे। अगर मैं इसी को रन करूँ तो आप देख सकते हो कि हेडिंग को मैंने रेड कलर दिया था, हेडिंग का कलर रेड हो गया और
पी का बैकग्राउंड ब्लू किया था, तो पी का बैकग्राउंड जो है, अच्छा पैराग्राफ यहाँ से ये चीजें हटा देते हैं। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि पैराग्राफ इसका ब्लू हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है हमको, और जैसे कि अब वन बाई अब क्या है कि हमने ये चीज़ सीख लिया कि CSS लिखना कैसे है, कहाँ पे लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम वन बाई वन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, हाइट हो गया, क्या क्या प्रॉपर्टी है जो आप एलिमेंट पे लगा सकते हो। ठीक है, तो वो अब वन बाई वन हम पढ़ने वाले हैं। तो अब प्रॉपर्टी की लिस्ट जो हम W3 स्किल पे आ जाते हैं, इसमें आपको CSS की सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया। अब वन बाय वन हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब कलर बैकग्राउंड एक होता है हमारा फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहो तो वन बाई वन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये यहाँ तक इतनी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक फॉन्ट तक, ये सारी प्रॉपर्टी हैं CSS की। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 90% काम इससे हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि फॉन्ट साइज क्या होता है। फॉन्ट साइज होता है कि हमारा जो ये टेक्स्ट दिख रहा है उसको, उसका साइज कितना रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है। फॉन्ट साइज आपका, फॉन्ट साइज की वैल्यू आपकी जितनी छोटी होगी, CSS इसका फॉन्ट, इसका जो फॉन्ट है उतना छोटा होगा। अगर फॉन्ट साइज की वैल्यू आपकी जितनी बड़ी होगी, फॉन्ट साइज आपका, इसका जो आकार होगा या फिर इसका जो साइज होगा वो आपका उतना बड़ा होगा। ठीक है, फॉन्ट साइज लेट से कि अगर हमने 20 पिक्सल रखा तो इसका फॉन्ट साइज इतना आ रहा है। अगर मैं इसी को मैं से 100 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है, या फिर 200 पिक्सल रख देता हूँ, तो इसका साइज इतना बड़ा हो गया, इसका फॉन्ट साइज इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो फॉन्ट साइज आपका जितना छोटा होगा टेक्स्ट आपका उतना छोटा दिखेगा, फॉन्ट साइज आपका जितना बड़ा होगा टेक्स्ट आपका उतना बड़ा दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पे वेराइटीज की बात करें, एक चीज़ हमको और यहाँ पे देखना है कि ये जो हमने जो ये इसका जो पैरामीटर है या फिर जो इस चीज़ को किस कितने तरीके से माप सकते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली इसको यूनिट बोलते हैं। तो हम कितने यूनिट्स हैं कि हम फॉन्ट साइज को या फिर साइजिंग, जो हमारा जो CSS में साइजिंग होता है उसको कितने यूनिट में लिख सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो एक तो हमारा होता है पिक्सल, ठीक है, और एक होता है हमारा सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर, और एक होता है हमारा REM, और एक होता है हमारा परसेंटेज। अब पिक्सल क्या करता है कि हमारी जो स्क्रीन है, ठीक है, हमारी जो स्क्रीन है वो हमारे डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइडेड होती है। अगर हम मैं इसका रियल पिक्चर आपको दिखाऊं तो ये पूरी स्क्रीन इन पिक्सल, अगर मैं आपको इसका इमेज दिखाऊं तो हमारा जो ये होता है स्क्रीन वो डिफरेंट बॉक्सेस में डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि इसका यहाँ पे बात करें तो ये मतलब 100 लाइंस, एक एक लाइन ऐसी होगी और फिर एक ऐसी लाइन होगी, तो डिफरेंट ग्रिड ग्रिड वाले बॉक्स में वो हमारे डिवाइडेड होती हैं। तो उसका जो एक एक पॉइंट होता है वो हमारा एक पिक्सल होता है। ठीक है, तो होप कि आपको 1 पिक्सल समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह आपको सेंटीमीटर तो पता ही होगा, और REM क्या होता है, REM होता है, अच्छा कुछ चीज़ें होती हैं हमारी जिसमें 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है हमारा फिक्स यूनिट
एक होता है हमारा रिलेटिव यूनिट, ठीक। फिक्स्ड यूनिट में क्या होता है कि वो चीज़ें, जैसे कि मैंने अगर फॉन्ट साइज 200 पिक्सल कर दिया, तो ये चाहे हम किसी भी स्क्रीन पे देखें, चाहे मोबाइल में देखें, चाहे लैपटॉप देखें, चाहे या फिर टीवी स्क्रीन पे देखें, वो हमारा फॉन्ट साइज 200 पिक्सल ही रहेगा। लेकिन अगर हमने इसका 200% दे दिया, ठीक है, 200% इसको दे दिया विड्थ साइज, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा HTML का जो रूट साइज होता है, जो HTML का जो रूट फॉन्ट होता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे HTML में भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि फॉन्ट साइज, HTML का जो फॉन्ट साइज होगा, HTML हमारा इसमें रूट एलिमेंट है, इस पेज में हमारा जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर हमारा HTML तो है, तो इसको रूट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रूट एलिमेंट होगा उसका साइज अगर 10 पिक्सल है, तो इसका 1% जो होगा, इसका अगर 200% निकाले, तो इसका जो 2%, 200% हमने दिया है, तो और HTML का जो फॉन्ट साइज है वो 13 पिक्सल है, तो इसका 200 पिक्सल जो है वो पी का साइज हो जाएगा। तो परसेंटेज ऐसे काम करता है। सेम ऐसे ही हमारा REM काम करता है। REM क्या करता है कि जैसे कि हमने यहाँ पे लेट्स से कि फॉन्ट साइज दे दिया 10 पिक्सल, तो अब क्या होता है कि REM भी इसके रिलेटिव में काम करता है। अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ कि पिक्सल टू REM, तो ये बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, 10 पिक्सल में 0.6 REM होता है, ठीक। तो तो ये भी एक रिलेटिव यूनिट है REM। अगर यहाँ पे लेट्स से कि अगर फॉन्ट साइज हमने फॉन्ट साइज रख दिया और 10%, ठीक है, अच्छा 1 पिक्सल जो तुम्हारा 10 पिक्सल होता है, 10 पिक्सल इज इक्वल टू 0. इसको कमेंट में लिखते हैं, मतलब जो CSS में कमेंट करते हैं वो, और ऐसे करते हैं, ठीक है, एक हमारा फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार फिर दूसरी लाइन में उल्टा होता है, ठीक है, पहले स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके अंदर जो जो भी आप लिखोगे, जो भी आप चीज़ें लिखोगे, वो HTML में नहीं चलेंगी, ठीक है। कमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो हमारा पार्स नहीं होता है ब्राउज़र के द्वारा, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। चेकबॉक्स लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो 10 पिक्सल होता है, 10 पिक्सल इज इक्वल टू हमारा 0.6 REM होता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ फॉन्ट साइज 10 पिक्सल दे दिया, तो अगर हम कुछ इसमें क्या होता है ना कि अगर हमने यहाँ पे 60%, अगर इसको हमने से दे दिया कि 60%, 0.6 REM होगा, 10 पिक्सल इज इक्वल टू, अगर हमने इसको 60% दे दिया, रूट का जो फॉन्ट साइज है उसको 60% दे दिया है, और इसके बाद हमारे जितने भी साइजेस हैं, जितने भी सिलेक्टर्स हैं, उसमें हम जो CSS लिख रहे हैं वो अगर हम REM में लिख रहे हैं, तो क्या होगा कि वो हमारा इसके रिलेटिव में हम सारा लिख रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज जो हमारा एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे अदर एलिमेंट में अगर हम फॉन्ट साइज, अगर यहाँ हम रूट में लिख रहे हैं कि 20 REM, तो क्या होगा कि ये इसके परसेंटेज में बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको घटाता जाऊँगा या बढ़ाता जाऊँगा, तो इसकी भी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, लोग उसी परसेंटेज में। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 2 REM रखता हूँ, ठीक है, या फिर ठीक है 2 REM में रखते हैं, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज 2 REM में रखता हूँ, और इसका अगर इस पर देखें, ठीक है,
पैराग्राफ का हमने इसको एक बार फॉर्मेट करते हैं। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज हमने 2 rem रखा है, ठीक है। अब ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जो कि इसके रूट वाली प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर मैं रूट की भी प्रॉपर्टी बढ़ाता जाऊं तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके रिलेटिव में वो वैल्यू कैलकुलेट होती होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसका बढ़ा रहा हूँ तो पैराग्राफ भी हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा ये जो परसेंटेज है इसी यहाँ से ही कैलकुलेट हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो 1 rem है वो हमारा 10 pixel है, जो कि हमारा रूट रूट एलिमेंट का साइज होता है। और अगर रूट ही हमने यहाँ पे 60% रख दिया, 60% मतलब इसी को मैंने जैसे कि अगर हमको कोई यूनिट हमारा 10 pixel है उसको rem में कन्वर्ट होगा करना हुआ, तो अगर इसका 1 pixel यहाँ पे निकाले तो क्या होगा, 1 pixel अगर निकाले यहाँ पे तो मतलब अगर 1 rem की वैल्यू निकालें तो बेसिकली मैथ में क्या होता है कि यहाँ से ये वाला इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो यानी कि 10/0.6, 10/0.6। और यहीं अगर ऊपर जाएगा तो 100/6 हो जाएगा, 100/6। और अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, हमारा 60% हो जाएगा, राइट। 1 rem इक्वल टू 60%, ठीक है। अब हमारा जो रूट है यहाँ पे तो ये मतलब कि ये एक प्रकार से बात करें तो हमारे एक 1 rem, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा rem है तो उसी के रिलेटिव में काम करता है, दैट्स वाई ये इसका जो अगर हम रूट की फॉन्ट साइज चेंज करते हैं तो हमने जहाँ जहाँ पे rem में फॉन्ट साइज रख रखा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके जो साइज है वो इसके अकॉर्डिंग ही घटते या बढ़ते रहते हैं, अगर अगर हम एचटीएमएल का फॉन्ट साइज घटाते या बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया, और सीएसएस कमेंट का भी आप समझ में आ गया कि सीएसएस कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे यहाँ से हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे जैसे कि कलर नेम देख सकते हो, अब कलर नेम देखते हैं कि हम कलर कलर की जो नेम होते हैं एक होता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड कलर का नेम होता है एक, तो वैसे उस टाइप से मतलब वैल्यू दे सकते हो कि कलर का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप जैसे जैसे आप यूज़ करते रहोगे प्रोजेक्ट में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो आपको इसको डेडिकेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कलर हमारा जो है कलर की वैल्यू जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू के अलावा जो है हम 3 प्रकार से लिखते हैं, एक हमारा होता है आरजीबी, आरजीबी जो होता है आरजीबी कलर होता है वो हमारा इन तीनों कलर को मिला के बनता है। तो जैसा कि अभी कभी कभी आपने पेंट किया होगा चाइल्डहुड में, तो जब हम पेंट को पेंट में देखो कि 2-3 कलर मिलाते हैं तो उससे एक न्यू कलर कैलकुलेट होकर न्यू कलर बन जाता है, तो वहीं पे होता है कि आरजीबी जो होता है कलर होता है वो इन तीनों कलर को मिला के वेरियस कलर्स बनते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जैसे वैल्यू जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है इनका जो न्यू कलर जो बन के आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इन इन कलर्स को जब आपस में मिलाओगे आप, इनकी वैल्यू चेंज करोगे तो वो आपको डिफरेंट एक कलर निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड ग्रीन और इन तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 to 255 होती है, क्योंकि जो वैल्यू का रेंज होता है वो 0 से लेके 255 तक होता है, ठीक। सेम वैसे ही हमारा हेक्स होता है, हेक्स कलर, हेक्स कलर क्या होता है कि हेक्सा डेसिमल नाम आपने सुना होगा कि वो जो 6 digit का होता है, तो हमारा 6 digit में जो हम कलर यहाँ पे रखते हैं, जो हमारा फर्स्ट 2 digit होता है वो हमारा रेड होता है, फिर उसके बाद का जो 2 digit होता है 2 digit होता है वो ग्रीन को मेंशन करता है, और जो उसके बाद का जो होता है 2 digit होता है वो ब्लू को डिनोट करता है, ठीक।
यहाँ पे जो हमारा हेक्साडेसिमल जो वैल्यू होती है वो इसका जो रेंज होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और एक होता है हमारा एचएसएल कलर। एचएसएल कलर में होता है कि हमारा एक होता है ह्यू, एक होता है सेचुरेशन, एक होता है लाइटनेस। तो इन तीनों को आपस में मिलाने के बाद भी हमारा एक डिफरेंट डिफरेंट कलर निकल के आते हैं। तो ये भी एक हमारा सीएसएस में कलर को लिखने का एक तरीका है, ठीक। तो आप इतने तरीकों से कलर की वैल्यू जो है वो लिख सकते हो आप। सेम सेम कलर की वैल्यू आप बैकग्राउंड में भी रख सकते हो, ठीक। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या करता है कि मार्जिन इसलिए यूज होता है कि अगर ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसके बाहर हमको स्पेसिंग देनी है, ठीक है। लेट से अगर मैं इसको रियल टाइम रियल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, तो एक बार हमको इसको रिसेट कर लेते हैं और हम लिख लेते हैं यहाँ पे H1, इससे हेडिंग, या फिर यहाँ पे रख लेते हैं एक डिव। और यहाँ पे लिख लेते हैं रेट, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं स्टाइलिंग। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे मार्जिन देखना है कि मार्जिन कैसे काम करता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दें, ठीक है, ताकि हम वो चेंजेस देख पाएं। बैकग्राउंड हमने रेड लगा दिया यहाँ पे, और कलर जो है इसका वाइट कर दिया। अब अगर हम इसको देखें, तो अगर आप देख पा रहे हो अभी, तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अभी क्या होता है कि अगर मार्जिन हम उसकी मार्जिन हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्जिन किस लिए यूज होता है। तो मार्जिन बेसिकली जो हमारी जो कोई एलिमेंट है, अगर उसके बाहर स्पेसिंग देनी है, ठीक है। अगर ये हमारा एलिमेंट हो गया, यहाँ पे जो जितना भी हमारा रेड दिख रहा है वो हमारा एक एलिमेंट है। अगर हम इसको एलिमेंट के बाहर हमको स्पेसिंग देनी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसके बाहर की जो स्पेसिंग है वो उसमें हम स्पेसिंग देना चाहें, तो मार्जिन क्या करता है, उसमें स्पेसिंग ऐड करने का काम करता है। अब अगर हम यहाँ पे इसका जो मार्जिन है, लेट से मार्जिन अब हम शेयर करते हैं कि मार्जिन 10 पिक्सल, तो अभी आप देखोगे कि इसके बीच की स्पेसिंग बढ़ गई है, ठीक है, इसके बाहर की स्पेसिंग। अगर मैं यहाँ आपको हटा के दिखाऊँ एक बार, अभी मार्जिन 0 था, इसको मैंने जब अप्लाई किया तो स्पेसिंग बढ़ गई। अगर मैं मार्जिन बढ़ाता जाऊँ तो इसके चारों ओर की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक। सेम होता है पैडिंग, बट पैडिंग क्या करता है, पैडिंग जो है अंदर का जो स्पेस होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब पैडिंग मान लो कि मैंने 1 पिक्सल दिया, ठीक। अब जैसे जैसे ये पैडिंग बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे ये पैडिंग बढ़ेगी, जो ये रेड के अंदर की स्पेसिंग है वो भी बढ़ती जाएगी, देख रहे हो, ठीक। पहले स्पेसिंग बिल्कुल नहीं थी, अभी स्पेसिंग इतनी हो गई। तो पैडिंग जितना भी हम बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, और पैडिंग जितना घटाते जाएंगे उस अंदर की स्पेसिंग घटती जाएगी। अब इसकी वैल्यू की बात करें कि पैडिंग कितने प्रकार से आप दे सकते हो, तो अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं तो हमारा चारों डायरेक्शन में अप्लाई होता है। चारों डायरेक्शन मतलब, एक बार मैं इसको बताता हूँ आपको, चारों डायरेक्शन मतलब अगर मैंने 40 पिक्सल दे दिया, ठीक है, अगर मैं इसका रियल रिप्रेजेंटेशन बताऊँ यहाँ ब्राउजर में, तो यहाँ पे बॉक्स मॉडल में आ जाते हैं इसके। ये आप देख रहे हो कि जो मैंने पैडिंग यहाँ पे देख रहे हो गया आप 40 पिक्सल दिए हैं। तो हमारा अगर एक ही वैल्यू देते हैं, ठीक है, पैडिंग इज इक्वल टू पैडिंग कॉलन 40 पिक्सल, तो वो जो 40 पिक्सल होता है वो हमारा चारों चारों डायरेक्शन में लगता है। ये पैडिंग टॉप भी 40 पिक्सल, पैडिंग राइट भी 40 पिक्सल, और पैडिंग बॉटम भी 40 पिक्सल, और पैडिंग लेफ्ट भी 40 पिक्सल। और अगर हम चारों वैल्यू देना चाहिए, लेट से कि अगर हमको एक वैल्यू दे दिए तो हमको वो जो है सेम वैल्यू चारों डायरेक्शन में अप्लाई हो गई।
लेट से कि अगर कोई ऐसा केस आ गया जहाँ पे हमको हर एक डायरेक्शन में हमको डिफरेंट वैल्यू देनी है, लेट से हमको यहाँ 40 देना है, राइट में 10 देना है और बॉटम में 5 पिक्सल देना है और लेफ्ट में 2 ही पिक्सल देना है, तो उस केस में क्या हो गया कि अलग 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 वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पैडिंग देने का बहुत से तरीके हैं। एक तो आप 1 बाई 1 देख सकते हो कि पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 20 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल और पैडिंग टॉप हो गया 100 पिक्सल। तो ये चारों डायरेक्शन में आप चाहो तो मैन्युअली भी दे सकते हो। अगर एक वैल्यू दोगे तो वो चारों डायरेक्शन में सेम वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। और एक होता है हमारा, अगर हम 2 ही वैल्यू देते हैं तो, 2 वैल्यू अगर देते हैं तो हमारी जो पहली वैल्यू होती है वो ऊपर और नीचे अप्लाई होती है, मीन्स टॉप और बॉटम में अप्लाई होती है, और ये जो दूसरी वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट में अप्लाई होती है। और एक एक केस होता है कि हम 3 वैल्यू देते हैं। अगर हम 3 वैल्यू देते हैं तो क्या होता है कि ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम, और ये जो बीच का वैल्यू होता है वो लेफ्ट और राइट में अप्लाई होता है। ठीक, तो मैंने आपको सारे केसेस समझाए कि 1 बाय 1 आप चाहो तो सिंगल वैल्यू के साथ सभी डायरेक्शन में सिंगल सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो, चाहो तो सेम वैल्यू भी दे सकते हो कि पैडिंग इज इक्वल टू 40 पिक्सल, आपने एक वैल्यू दिया वो चारों डायरेक्शन में अप्लाई हो गया। आप 2 वैल्यू भी दे सकते हो और 3 वैल्यू भी दे सकते हो। तो सारा केस मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप अगर 5-6 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मतलब समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 आपको वैल्यू चेंज करके देखना कि कैसे कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो जब आप 3-4 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ से जो है सारी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं CSS सेलेक्टर की। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम CSS सेलेक्टर पे। अब जैसा कि CSS सेलेक्टर इसलिए यूज होता है कि हम नोड को सिलेक्ट कर पाएँ और उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर पाए। सिलेक्टर इसीलिए तो यूज़ होता है कि हम जो हमारा जो HTML का नोड है उसको हम सेलेक्ट करें और हम उसको बताएं कि हमारा जो ये जो स्टाइलिंग है जो CSS है इस एलिमेंट पे लगाना है। ब्राउज़र को हम यहीं पे लिख अगर हम CSS लिखते हैं तो ब्राउज़र को यहीं बताते हैं कि CSS सेलेक्टर के थ्रू हमारे वो उस नोड को सिलेक्ट करना है और जो हमने CSS के अंदर लिखा है उस पर वो CSS अप्लाई करना है, राइट। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यहाँ पे हमने सेलेक्टर लगाया और इसके कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर जो भी हमको लिखना था, जो भी हमको प्रॉपर्टी या फिर कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, हाइट, विड्थ जो भी देना था हमने दे दिया। ठीक, अब हम CSS सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे CSS का जो मेन सेलेक्टर होता है, CSS में मेनली 3 टाइप के सेलेक्टर होते हैं। एक तो हमने देखा कि हम डायरेक्टली टैग के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने वहाँ पे टैग लिखा, आपने यहाँ पे टैग लिखा, टैग का जो नाम होता है जैसे पी पैराग्राफ के लिए पी और H1 के लिए H1, H2 के लिए H2, तो ऐसे हम टैग के नेम से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है हमारा क्लास सेलेक्टर। ठीक है, एक बार हमको यहाँ पे सारा डिलीट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्योंकि आपको भी चाहिए, तो हम जो नेक्स्ट हो है वो हम डिफरेंट फाइल्स में रखते हैं, सेलेक्टर्स डॉट HTML। तो हम एक न्यू HTML फाइल लेते हैं, यहाँ पे एक बेसिक HTML स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और अब हम इसमें देखते हैं कि CSS सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ होता है कि क्लास के बीच होता है कि CSS, अब क्लास क्या होता है, अगर आपने HTML पढ़ रखा है तो हमारा जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एलिमेंट की, जैसे यहाँ पे क्लास एक प्रॉपर्टी है इस डिव की, सेम वैसे ही जैसे हमारे टाइटल प्रॉपर्टी होता है, सेम वैसे ही जैसे कि हमारा आईडी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्लास भी ये लगा सकते हैं। क्लास क्या डिफाइन करता है, क्लास क्या डिफाइन करता है, बेसिकली क्लास मतलब एक सेम टाइप के सेम टाइप का ग्रुप। ठीक है, क्लास अगर आपने अगर हम इसको स्कूल वाले क्लास के अकॉर्डिंग हमको अगर उस
उस केस में समझना चाहें तो क्लास में बेसिकली होता है क्या है कि एक क्लास में होता है, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जितने भी सारे लोग होते हैं वो सारे स्टूडेंट होते हैं। सेम वैसे ही क्लास वहाँ भी होता है जहाँ पे हमको एक ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। और हमारा आईडी क्या होता है, आईडी हमारी एक यूनिक वैली होती है, ठीक है। अब जैसा कि हमारे एचटीएमएल में हमारे डिफरेंट नोड हो सकते हैं, तो अगर किसी नोड को हमको एक यूनिक आईडी देनी है तो वहाँ पे हम आईडी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक। अब जैसे अगर मैं इसका व्यू सोर्स दिखाऊँ, अगर इसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊँ, तो इसमें तो आपको मतलब हजारों नोड्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर, हर एक पार्टिकुलर जो एलिमेंट है, अगर किसी एलिमेंट को हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वहाँ पे हम आईडी का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आईडी का यूज़ वहाँ करते हैं और क्लास का यूज़ हम वहाँ पे करता है जहाँ कि हमको एक ग्रुप बनाना होता है, कि ठीक है। जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर रेड का एक ग्रुप बना दिया कि हमारे पास कुछ ऐसे हेडिंग्स हैं कि उन सारे हेडिंग्स का जो कलर है वो रेड होगा, ठीक है। तो उस वाले सिलेक्शन के लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। ये हमको एक ऐसा सिलेक्शन बनाना है कि हमको उस कैटेगरी में ऐसी चीज़ें रखनी है कि जिसमें सारे हेडिंग्स का कलर रेड ही हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड क्लास लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे रेड इसका क्लास नेम दे दिया, या फिर हमने दे दिया रेड हेडिंग्स। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे हेडिंग रख दिए हैं, ठीक है। तो क्लास वहीं पे यूज़ होता है कि एक क्लास से एक ऐसा पता चलता है, एक चीज़ पता चलती है कि उस वाले ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। तो यहाँ पे जैसे डिफरेंट हेडिंग्स हैं, अब यहाँ पे एक ग्रुप हमने बना दिया कि जो रेड हेडिंग्स हैं, कि हमने एक मतलब ग्रुप बनाया कि रेड हेडिंग्स के अंदर जितने भी हेडिंग्स रहेंगी, मतलब हमको यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बनानी है कि हमको एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसके अंदर सारी हेडिंग्स रेड होनी चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हमको स्टाइल से करना पड़ेगा तो उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे डॉट रेड हेडिंग्स, यहाँ पे मैं सिलेक्टर यूज़ किया, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे दे दिया कलर रेड, और ये वाला क्लास हम सबको दे देंगे, ठीक है। कि जैसे 8th वाले क्लास में सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो सभी क्लास 8th के होते हैं, ठीक। अब अगर यहाँ पे मैंने क्लास दे दिया रेड हेडिंग, तो इसका जो कलर है वो रेड हो गया। अगर इसको भी हम दे दें, ठीक, क्लास अगर अगर इसको भी हम क्लास दे दें रेड हेडिंग, तो इसका भी कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। हमने कितनी प्रॉपर्टी रख रखी हैं। अच्छा, ये तो डिफरेंट पेज है तो इसको हमको ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो हमने इस पे अगर हमने इस पे रेड हेडिंग वाली क्लास लगाई तो इसका भी कलर रेड होगा, क्योंकि हमने सीएसएस वाली लिख रखा है। तो इस क्लास को हम जहाँ भी लगाएंगे उसके अंदर जो भी सीएसएस रहेगा वो उन टैग्स पे अप्लाई होता रहेगा, ठीक है। और एक क्लास सेलेक्टर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक बार सीएसएस लिखें और उसको हमको जहाँ भी उस टाइप का सेम टाइप का मतलब सीएसएस चाहिए वहाँ पे हम वो क्लास ऐड कर दें और सीएसएस हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास सिलेक्टर। एक होता है हमारा आईडी सिलेक्टर, अगर हम इसी को आईडी दे दें कि सेकंड हेडिंग, इसको सेकंड हेडिंग हमने आईडी दे दी, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करना है आपको। बट यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर क्लास सेलेक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो क्लास का नेम लिखोगे और वहाँ पे उसके आगे डॉट लगाओगे, और अगर आप आईडी सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हैज़ लगाओगे और आईडी का नेम लिखोगे
और फिर कर्ली ब्रेसेस लिख के आप अपना CSS लिखो, राइट। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि आप जो आईडी की वैल्यू होती है उसमें आप फर्स्ट नंबर पे आप नंबर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे रख सकते हो कि हेडिंग टू, मैंने देख दिया यहाँ पे हेडिंग टू, तो ये हमारे जो हो गए तीनों सिलेक्टर्स। अपडेट से कि हमारा यहाँ पे एक बटन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से कि हमने यहाँ पे सारे को कमेंट किया, और अब हम देखेंगे कि बटन को तीनों सिलेक्टर की यूज करके कैसे कैसे हम इसको जो है चीज़ अप्लाई कर सकते हैं इस पर, ठीक है। अब लेट्स से कि एक तरीका है कि हम डायरेक्ट टैग का नाम टैग का यूज़ करें और उसके बाद अपना CSS लिखते हैं जिसे बैकग्राउंड रेड। ये हमारा बटन का जो बैकग्राउंड है यहाँ पे रेड हो गया। एक दूसरा केस है, दूसरा दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोई क्लास दे दो, क्लास BTN, और इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप डॉट लगाओ और फिर क्लास का नेम दो और फिर बैकग्राउंड या फिर रेड आप जो भी अंदर लिखने आप लिख सकते हो CSS में, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी आपको लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो बटन पे हमें रेड लगाया तभी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास का। अब अगर इसी चीज़ को अगर आईडी का यूज़ करके करना हुआ, तो आईडी का यूज़ करने का हुआ तो लेट्स से अगर हम क्लास नहीं देना हमको और आईडी देना है तो हम आईडी का नाम लेंगे, जैसे बटन हमने आईडी दे दी इसकी। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको हैश सिलेक्टर आपको यूज़ करना है तो वहाँ उसके पहले आपको हैश लिखना पड़ेगा। आईडी सिलेक्टर का अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा और उसके बाद आईडी का नेम यहाँ पे हमारा है बटन, तो यहाँ पे हमने लिखा बटन, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर अपना प्रॉपर्टी और वैल्यू। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड करना था तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड रखते हैं, अभी भी वही काम सेम काम कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा होता है सिलेक्टर। अब इन्हीं तीनों को मिला के आप डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्टर्स बना सकते हो, ठीक है। एक होता है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर को आप कैसे यूज करते हो कि चाइल्ड सिलेक्टर को हम ऐसे यूज करते हैं कि पहले उसका पेरेंट लिखते हैं, ठीक है। उसका पेरेंट लिखते हैं, जैसे कि अगर हमको अब जैसे कि हमको अगर यहाँ पे बटन को अगर सिलेक्ट करना होगा तो बटन का पेरेंट कौन सा है, बटन का पेरेंट है ये div। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, अगर इसको सिलेक्ट करना है तो क्या करना, पेरेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर की जो भी चीज़ें सिलेक्ट करनी है आपको, या फिर अगर अगर यहाँ पे हम पहले चाइल्ड सिलेक्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे चाइल्ड सिलेक्टर तो यहाँ पे चाइल्ड सिलेक्टर क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं div, उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे बटन। अब अगर यहाँ पे हम इसको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल टेक्स्ट है चाइल्ड सिलेक्टर। अब यहाँ पे मैं करता हूँ बैकग्राउंड ब्लू, तो हमने लगाया। अभी चाइल्ड सिलेक्टर यूज करने का तरीका है कि हमने पेरेंट लिखा, फिर ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर जो चाइल्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा जो आता है स्पेसिफिसिटी में आता है, तो वो चीज़ हम अभी बाद में देखेंगे कि टैग में, टैग सेलेक्टर में और आईडी सेलेक्टर में या फिर क्लास सेलेक्टर में सब अगर तीनों चीज़ों हम यूज़ करते हैं तो कौन सी अप्लाई होंगी, किसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, वो चीज़ें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको कमेंट करते हैं, अभी हमें चाइल्ड सेलेक्टर देखते हैं, ठीक है। तो ये उसका जो बैकग्राउंड हो गया ब्लू। तो ऐसे इस तरीके से हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज़ करते हैं किसी एलिमेंट के अंदर, किसी अगर चाइल्ड को सेलेक्ट करना हुआ तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं।
एक होता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर इसको नाम देते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि हम एक कोई भी एलिमेंट लेते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर मतलब उस सेलेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब जिसे हमको बॉडी के अंदर या फिर ड्यू के अंदर हमको, अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, ठीक है, लेट से हमने इसके अंदर भी एक मल्टीपल एलिमेंट, मान लो इसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, ठीक है, चाइल्ड के भी चाइल्ड हैं, ड्यू क्लास नेम रेड, और इसके अंदर भी ड्यू क्लास नेम ब्लू, मतलब मल्टीपल उसके अंदर अंदर चाइल्ड हैं, ठीक है। अब अगर लेट से कि हमको ड्यू के अंदर जो रेड के अंदर जो ब्लू है इसको सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब एक तरीका ये कि हम डायरेक्ट क्लास नेम देके उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लें, बट हमको अभी पढ़ना है यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सीखेंगे कि डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करके किसी एलिमेंट के चिल्ड्रेन को कैसे पकड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे या फिर उसका क्लास लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लास देते हैं मतलब उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, पहले उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है कि जिसे मान लो हमने यहाँ पे बॉक्स दिया इसका। अब तो यहाँ पे कोई ब्रेक हो रहा है क्या? कुछ यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, व्हाट्स ब्रेकिंग? अच्छा ओके, मैंने तो बंद कर दिया था। रेड हेडिंग, ये भी बंद है। स्टाइल, अच्छा ये नहीं बंद है इसलिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि ये हमारा रेट से ये है बॉक्स इसका क्लास में। तो पहले हम किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेट से हमने किसी एलिमेंट को सेलेक्ट किया, डॉट बॉक्स दे दिया हमने, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमको इस बॉक्स के अंदर भी कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो अब इसके अंदर आएंगे, बॉक्स के अंदर हम आ गए। बॉक्स के अंदर को अगर हमको बटन को सिलेक्ट करना है तो उसके जस्ट आगे स्पेस देना है और यहाँ पे बटन लिखना है, हो गया हमारा ये बटन सिलेक्टेड, ठीक है। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर ऐसे काम करता है, जो हमारा जो पेरेंट कोई टैग होता है उसके अंदर जो कोई भी वो या तो चाइल्ड हो सकता है या फिर ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब या तो आप बॉडी के अंदर या तो आपको इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, एस टू को भी सिलेक्ट कर सकते हो और बटन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर उसके अंदर के अंदर के अंदर के चाइल्ड के भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे हमने बॉक्स के अंदर जो चाइल्ड बटन था उसको हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे रेड से हमने कलर लगा दिया रेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ करते हो। ये हमारा कलर रेड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो 333 स्कूल का है पेज, यहाँ पे अगर आप सीएसएस सेलेक्टर से मैं जाऊँ आपको सारे प्रेफरेंसेस मिल जाएंगे यहाँ पे, आप उनको वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर सर्च करूँ तो यहाँ पे सीएसएस सेलेक्टर्स में सारे सीएसएस सेलेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो मेन चीज़ें हैं, मेन सेलेक्टर है, अगर आप बिगिनर हो, पहले आपको टैग सेलेक्टर का प्रैक्टिस करना है, फिर क्लास सेलेक्टर का प्रैक्टिस करना है, फिर आईडी सेलेक्टर का, फिर चिल्ड्रन का, फिर डिसेंडेंट का। अगर आप बिगिनर हो तो पहले इन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, ठीक है। फर्स्ट आप उन तीन चीज़ जो फर्स्ट फाइव सेलेक्टर है उनका उनका आपको प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद वन बाय वन आपको इस पे आना है, ठीक है। तो एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगर हम स्टार करते हैं तो ये क्या करता है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर है, मतलब
एचटीएमएल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी को सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर स्टार, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि कलर रेड, तो ये क्या करेगा, स्टार मतलब सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करिए। अब सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करके हमने सभी पे कलर रेड लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर कि एचटीएमएल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का कलर रेड हो जाएगा। अब अगर हमने यहाँ पेज पे देखें अगर, तो यहाँ पे सभी का कलर रेड हो रखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, कि ये एचटीएमएल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको सिलेक्ट कर लेता है। तो ये हो गया हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर्स। अगर आपको वन बाय वन सारी चीज़ें पढ़नी है तो आप यहाँ से सारी चीज़ों का रेफरेंस आपको मिल जाएगा, आप वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी के लिए यहाँ पे इसमें यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर्स और उसके जो काफ़ी एडवांस सेलेक्टर्स हैं, उन सारे सेलेक्टर्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारी CSS प्रॉपर्टीज बच गई थी, जैसे बॉक्स शैडो हो गया और इमेज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखेंगे। फिर इसके बाद वाली वीडियो हम नेक्स्ट CSS सेलेक्टर देखेंगे, CSS के सारे सेलेक्टर का कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें CSS की सारी प्रॉपर्टी को हम कवर करने वाले हैं, ठीक। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू विल गेट ऑल दिस सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक्स, बाय बाय।